मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं चर्चा करूंगा उन शंकाओं की जो हेयर रिमूवर के बारे में हमारे व्यूअर्स करते हैं। सबसे पहले जो सवाल आता है, आप हेयर रिमूवर के बारे में कुछ बताइए। हेयर रिमूवर ऑयल बेस्ड मेडिसिन है, ये घरेलू दवा है, घर की बनी हुई दवा है और इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग किया गया है और इसका लगाने का एक निश्चित तरीका है, वो मैं बाद में चर्चा करूंगा। और इससे पूरी तरह से हेयर्स परमानेंटली रिमूव हो जाते हैं। मेरा क्लिनिक मुंबई में है। कई बार लोग पूछते हैं आपका क्लिनिक कहाँ है, तो मेरा क्लिनिक मुंबई में है, खारघर नाम की एक जगह है नवी मुंबई में। तो जहाँ कहीं भी भेजना होता है मैं मुंबई से ही भेजता हूँ, लेकिन कई बार अगर मित्रों के पास में मेरी बॉटल रखी है तो वहाँ से भी भेजवा देता हूँ। फिर कुछ लोग शंका करते हैं कि क्या ये पीसीओडी पेशेंट पर काम करेगा। पीसीओडी एक अलग समस्या है महिलाओं की, और मैं बालों के रूट्स पर काम कर रहा हूँ। जहाँ से भी ये रूट्स निकाल लिए जाते हैं और ये ऑयल मसाज के जरिए वहाँ पर पहुँचाया जाता है, तो वहाँ पर नए फोलिकल नहीं बनते हैं। फोलिकल यानी बालों की जड़। तो जब नए फोलिकल नहीं बनेंगे तो बाल आने की संभावना खत्म हो जाती है। इस प्रकार से ये काम करता है। कई लोग पूछते हैं कितने दिन में ये बाल खत्म कर देगा। दिन की गणना मेरे पास नहीं है, ये भी एक अच्छा सवाल करते हैं। एक बार बालों को जड़ सहित रिमूव करने के बाद जब 7 दिन मसाज करते हैं तो ये ऑयल वहां पहुंचता है जहां से वो रूट निकला है। तो जब जिन बालों की जड़ों में ये ऑयल नहीं पहुंचेगा वो बाल आ सकते हैं। अब मैं कैसे कह सकता हूं कि यही बाल जो निकला है इसके अंदर ऑयल पहुंचा है। जो नहीं निकला बाल, जो नहीं उगा बाल, वो तो दिख ही नहीं रहा। तो इसको 7 बार यूज करना पड़ता है और हर बार जब भी हम हेयर रिमूव करें ये देख लें कि बालों के साथ में उनकी जड़ें बाहर आ रही है कि नहीं आ रही। कई बार लोग गारंटी की बात करते हैं, तो मैं मुंबई में बैठा हूं और मेरा कोई ग्राहक या पेशेंट मुझसे 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, उसको गारंटी कैसे दे सकता हूं। हाँ, इतने लोगों ने यूज किया, सबको लाभ मिला है, तो आपको भी लाभ मिलेगा, बशर्ते कि प्रयोग करने का तरीका सही होना चाहिए। इसकी 2 प्रकार की पैकिंग आती है, आप देख रहे हैं, एक बड़ी पैकिंग जो 100 ml की है, एक छोटी पैकिंग जो 30 ml की है। ये चिन एरिया या अपर लिप्स में जो महिलाओं के चेहरे पर बाल आते हैं उनके लिए है, और अगर हाथ पैर पर भी यूज करना है तो मैं निवेदन करूंगा कि वो बड़ी बाटल ही ले, ठीक है। अब वीडियो में थोड़ा समय सीमा निश्चित है, इसलिए बहुत सारी जानकारी नहीं दी जा सकती है। स्क्रीन पर मेरा और मेरे एक सहयोगी हैं, उन दोनों नंबर दे रहा हूँ, किसी पर भी आप बात कर लें और उससे
बाकी जो जानकारी आपको नहीं मिल पाई है वो जानकारी ले सकते हैं। इसको लगाने का तरीका पूर्व के वीडियो में भी बताया है, फिर से बता देता हूँ, जिस भी एरिया में इसको प्रयोग करना है वहाँ बालों को फॉलिकल सहित रिमूव करना, जड़ सहित रिमूव करना। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम क्रीम से साफ कर लें तो चलेगा क्या? तो क्रीम से अगर हम हेयर रिमूव करते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बालों की जड़ें निकलेंगी क्या? तो आप जवाब नहीं देते। तो क्रीम से अगर हम बाल साफ करेंगे तो बालों की जड़ें नहीं निकलेंगी। फिर कई लोग बोलते हैं कि ये रेजर से लगा करके रेजर से बाल निकाल के यूज करें क्या तो काम करेगा? मैं कहता हूँ रेजर से भी बालों की जड़ें नहीं निकाली जा सकती। और हर वीडियो में मैंने यही बताया है कि बालों को जड़ सहित निकालना है, बालों को फोलिकल्स के सहित रिमूव करना है। यू हैव टू रिमूव द हेयर्स विद फोलिकल्स। अब कई लोग बोलते हैं फोलिकल कैसा होता है? तो बालों की एक बालों के नीचे एक जड़ होती है, उसको देख लीजिए। अब वो कैसी होती है, उसके लिए सर का एक बाल निकाल लीजिए, बालों के निचले हिस्से में व्हाइट कलर के गांठ जैसी लगी रहेगी, उसी को हम बालों की जड़ बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में फोलिकल बोलते हैं। तो कितने दिन में बाल खत्म हो जाएंगे, कितने दिन का कोर्स है, आप समझ गए, 7 बार लगाना है। अब कई बार ये होता है कि एक बार हमने हेयर रिमूव करके 7 दिन मसाज किया और 3 महीने तक बाल ही नहीं आए। तो 3 महीने के बाद में जब बाल आए और पूरी ग्रोथ हो जाए तब उसे रिमूव करें। तो ये पर्सन टू पर्सन टाइम वेरी करता है, इसलिए मैं कोई ऐसा नियम कानून के रूप में नहीं बता सकता हूँ कि आपको हर 15 दिन में वैक्स करके मसाज करना है या हर महीने करना है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि 1 महीने में रूट्स निकल जाते हैं, कहीं ऐसा होता है कि 2 महीने में रूट्स निकलने की स्थिति आती है, और कई जगह तो ये होता है कि 2 महीने 3 महीने तक बाल ही नहीं आते। तो आप केवल एक चीज याद रखें कि इसको 7 बार ऐसा करेंगे, एक बार बालों को जड़ सहित निकालने के बाद 7 बार 7 दिन तक मसाज करेंगे, इसको मैं 1 साइकिल बोलता हूँ। ऐसा ही 7 बार रिपीट करना है। कंडीशन वही होगी कि हर बार बाल निकाल के चेक कर लीजिए कि फोलिकल्स बाहर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आशा है बहुत सारी शंका कुशंका जो आपको मन में पैदा हो रही थी वो शांत हो गई होगी। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर बात कर लें। जय आयुर्वेद, जय धर्मन।